ऑलराइट, तो लावा अग्नि 2 के अंदर यहाँ पे अपडेट आ चुका है, बग्स वगैरह जो बताया गया है कि फिक्स कर दिया गया, सच में फिक्स कर दिया गया, क्योंकि ब्रांड यहाँ पे बोल रही है कि हमने यहाँ पर बग्स फिक्स कर दिए। लेकिन अभी भी मैंने कुछ चीजें यहाँ पे फाइंड आउट की है जो मुझे लगता है कि लावा को अभी वापिस से एक और अपडेट रोल आउट करना होगा, तब जाकर के वो प्रॉब्लम्स दूर होगी। बहुत सारे हैंडसेट्स में मैंने देख लिया, ऑलरेडी जानकारी निकाल ली है, तब जाकर के वीडियो में बना रहा हूँ। तो 65 MB का एक अपडेट यहाँ रोल आउट हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रियली अप्रिशिएट लावा, और मैं उनकी टीम को रियली थैंकफुल थैंक यू कहना चाहूँगा कि फीडबैक लेकर के फटाफट उन लोगों ने वर्कआउट किया। बट एक और सवाल आता है कि इतना बड़ा बग ब्राइटनेस को लेकर के आपको फोन लॉन्च करने की इतनी जल्दी थी कि आपने इन बग्स को नहीं ध्यान दिया था, फोन को रोल आउट कर दिया, बट सरप्राइजिंगली आपने सुना भी फीडबैक और फिक्स भी किया। तो 65 MB का ये अपडेट रोल आउट शुरू हो चुका है आज से, फर्स्ट OTA अपडेट है लावा अग्नि 2 के अंदर में। और यहाँ पे सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स उनको पहले समझ लेते हैं, ब्राइटनेस वाला प्रॉब्लम था, उसका कॉल रिकॉर्डिंग में अनाउंसमेंट था, ये प्रॉब्लम नहीं थी, मेजोरिटी ऑफ द फोन्स में आता है, लावा ने भी दे दिया था। साथ ही सिक्योरिटी पैच थोड़ा ओल्ड वर्जन था, और साथ ही यहाँ जब फोन को हम लोग रेज टू वेक वाला जो फीचर है वो वाला, वहाँ पे थोड़ा फिंगरप्रिंट स्कैनर थोड़ा डिले था, ये छोटी छोटी चीज़ें थी। फिर टच करके अगर ऐसे करके आप फोटोज क्लिक करो तो वो वाली प्रॉब्लम थी, तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे। अब इन सारे प्रॉब्लम्स को लेकर के बहुत सारे लोगों ने इसका हवा बनाया कि हाँ भाई प्रॉब्लम थी, इंक्लूडिंग मी, माई एक्चुअली आपका हार्ड एंड मनी है, तो आपका हार्ड एंड मनी सही जगह पे जाए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने एक बार माइक्रोमैक्स को बहुत ही अच्छा, हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि माइक्रोमैक्स बेहतरीन काम करे, और लास्ट में हुआ क्या, आप लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया कि हाँ भाई अजीत भाई आपने बोला है ये फोन लेना चाहिए, और ब्रांड अभी यहाँ कान में तेल डाल करके सो गई है। तो डर रहता है, क्योंकि हम लोग आपको कुछ अगर रेकमेंड करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को कवर करें, उन चीज़ों को पूरा कर सके। तो चलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। तो यहाँ पर अपडेट पुश किया गया, तो सबसे पहला वाला जो प्रॉब्लम है वो है यहाँ पे कॉल, जब आप करते थे किसी को तो वहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग के समय दिस कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड वाला अनाउंसमेंट आता था। तो अभी यहाँ पर इस अपडेट में, बहुत ही छोटा अपडेट है बट इस छोटे अपडेट में बहुत कुछ चेंजेस किया है इन लोगों ने। तो 65 MB के अपडेट में पहली बात तो डाउनलोड होने में लगभग 40-50 मिनट के आसपास लग गया, जस्ट बिकॉज सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड आ गया होगा एक बार में, काफ़ी सारे लोग अपने फोन को यहाँ पे अपडेट करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो अपडेट हो गया, उसके बाद यहाँ करना क्या है, तो अभी एक नया डायलर इसके अंदर ऐड कर दिया गया है, उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, ऐप्स के अंदर, डिफॉल्ट ऐप्स के अंदर वहाँ पे दो डायलर्स दिखेंगे, तो दूसरा वाला सेलेक्ट कर लेना आप, बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है, और वहाँ जाकर के आप वापस से जाओगे अपना डायलर को सामने से आप रिप्लेस करके, वो नया वाला डायलर यहाँ पे डाल देना आप, और बस बिंदास कॉल रिकॉर्डिंग करो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, दिस कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड वाला झंझट खत्म। तो एक तो पहला प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। नाउ कमिंग टू द सेकंड प्रॉब्लम ये है डिस्प्ले को लेकर के। तो डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस क्वालिटी थी, जिस हिसाब से लोग इसको प्रेज कर रहे थे, ब्राइटनेस नो डाउट बहुत ही बढ़िया था, लेकिन अपडेट के बाद ब्राइटनेस मेंटेन तो किया गया है, लेकिन ब्राइटनेस के अंदर अभी भी एक बिग इश्यू है। उसको बताने से पहले मैं ये बता दूं आपको, ब्राइटनेस अभी भी प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, जिस हिसाब से यहाँ पे सेंसर्स को काम करना चाहिए, जिस हिसाब से ब्राइटनेस लेवल को यहाँ पे बढ़ना चाहिए और घटना चाहिए, वो प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन अभी भी इसके अंदर नहीं है। अब डिस्प्ले के अंदर एक और नया फॉल्ट ऐड हो गया है, ऐसा लग रहा है कि अगला शाओमी बनने की तैयारी कर रहा है, शाओमी यही करता था, एक प्रॉब्लम को ठीक करो दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट कर दो। तो भी एक नया प्रॉब्लम इसके अंदर देखने को मिल रहा है, और वो ये है कि अगर आप अपने फोन के डायलर में जाइएगा तो वहाँ सेटिंग्स के अंदर जब आप ओपन कीजिएगा तो ऐसा आपको 0/0 दिखने वाला है। जी हाँ, अपने डायलर में जाइए, जो नया वाला डायलर है, जो नया डायलर इन लोगों ने डाल करके दिया है, वहाँ पे सेटिंग्स में जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको 0/0 दिखने वाला है, मतलब दिखता है लेकिन बहुत बहुत मतलब प्रेशर डाल के आपको देखना पड़ेगा। इनफैक्ट चलिए मैं यहाँ पर आपको फुल ब्राइटनेस करके दिखाता हूँ। तो फुल ब्राइटनेस करने के बाद क्या पता आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देखिए आपको कुछ लाइंस यहाँ दिख रहे होंगे, इन्फॉर्मेशन यहाँ दिख रहे होंगे, ये कोई बनावटी चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं मैं डिफेम करने की कोशिश कर रहा हूँ इस ब्रांड को, ऐसा नहीं है, मेरा हार्ड एंड मनी से मैंने इस प्रोडक्ट को खरीदा है, तो मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे भी एज ए यूज़र एक बेहतरीन एक्सपीरियंस मिले। तो अपडेट तो दे दिया, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम एक और ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ ये मैं बोलूँगा कि एक बहुत भद्दी सी चीज़ मुझे लगी कि इतना छोटा सा चीज़ सेटिंग्स के अंदर आप जाओ यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे सेटिंग्स पे जाते हो उसके बाद फिर यहाँ क्लिक करते हो तो जस्ट हैव ए लुक क्या स्थिति हो जाती है, मतलब पूरा का पूरा ब्लैक हो जाता है। अब इसके अंदर आपको सेटिंग्स के अंदर देखिए ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग, ये सारा कुछ फीचर दे दिया गया है। फिर एक और चीज़ नया बता देता हूँ कि इसके अंदर मेकर सिक्योरिटी पैच दे दिया गया है, रेस टू पिक वाला जो था, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये फोन रखा हुआ है और ऐसे हम लोग अगर उठाते थे तो पहले नहीं जलता था, पावर बटन दबाना पड़ता था, तो अभी यहाँ पर ये वाला अच्छे से काम करता है और बेहतरीन तरीके से 9/10 यहाँ पर ये अच्छी तरीके से काम करता है।
कैमरा वाली बात कर लेते हैं। कैमरा के शटर्स को यहाँ पे जब आप टैप करते थे तो वो वाला भी प्रॉब्लम अभी यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो मैं बोलूंगा कि लावा हैज डन रियली अ ग्रेट जॉब। बहुत जल्दी में यहाँ पर उन लोगों ने अपडेट्स रोल आउट कर दिए हैं, बट स्टिल आई वुड से कैमरा अभी भी पुराना वाला ही मोड यहाँ पे दिखता है। कोई नया चेंजेस नहीं किया गया है इसके अंदर। फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस डिटेक्शन काफी बढ़िया काम करा, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन डिस्प्ले अभी भी प्रॉपरली नहीं है ऑप्टिमाइज। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइज, क्योंकि आप लोग यहाँ पर अपना हार्ड एंड मनी इस फोन के अंदर डालने वाले हैं। ये फोन नो डाउट काफी बेहतरीन है, लेकिन मुझे लगता है लावा को सॉफ्टवेयर पे अभी भी काम करना पड़ेगा ताकि ब्राइटनेस को इम्प्रूव कर सके, सेटिंग्स के अंदर जो पूरा डार्क हो जाता है उसको ठीक कर सके, और डेफिनेटली यहाँ कैमरा वाला जो है पुराना ओल्ड वाला मॉड्यूल उसको बदल करके नए में शिफ्ट कर सके। आई होप कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।